प्रणाम पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक बार फिर से किसान आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जो किसान बॉर्डर पर बैठे हैं उनको लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से चर्चा की गई थी। किसानों से बातचीत दोबारा शुरू होनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा किसी वरिष्ठ मंत्री को टीम में जोड़कर किसान नेताओं के साथ चर्चा फिर से शुरू करवाई जाए ताकि मसले का हल निकाला जा सके। साथ ही किसान नेताओं से भी कहूंगा कि चर्चा जारी रखे बिना चर्चा के समाधान नहीं निकलेगा। वहीं उन्होंने आगे कहा है कि प्रदेश में गेहूं खरीद को लेकर परिस्थिति सबके सामने है और मंडी बंद नहीं हुई है। पंजाब को भी हरियाणा की तर्ज पर किसानों के खाते में सीधे पैसे डालने की नीति पर आना पड़ा है। कुछ किसान नेता ऐसे हैं जो आढ़त की दुकान भी चलाते हैं और इस पूरे आंदोलन के मास्टरमाइंड थे। किसान आंदोलन 40 नेताओं के हाथ में नहीं है। कुछ शरारती तत्वों की तरफ से गाड़ियां तोड़ने की कोशिश की जाती है जो उनकी झुंझलाहट दिखाता है। अब किसान नेताओं के हाथ में आंदोलन नहीं रहा, अब ऐसे लोग आ चुके हैं जो देश और राज्य की व्यवस्था को खराब करना चाह रहे हैं। अनेकों विषय पर चर्चा, केवल मात्र कोई विस्तार एक विषय नहीं होता मुलाकात। आज के दिन हमारे प्रदेश के बॉर्डर पे 4.5-4.5 महीनों से लोग बैठे हैं और वहाँ भी एपिडेमिक का नंबर इंक्रीज हो रहा है, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। उनकी बैठक जल्द हो उसके ऊपर भी चर्चा हुई। मैं तो